हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आऊँ फार्मापा चैनल पे एक न्यू मेडिसिन, जो कि हम बात करेंगे बेस्ट स्टमक पेन मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। अगर आपने हमारे फार्मापा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम फार्मेसी और फार्मासिस्ट से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो आप तक इसी प्रकार से लाते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे लोगों पे जो कि लगा हुआ मेफ्टालिस पास्ट बेस्ट स्टमक मेडिसिन के बारे में, जो कि आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड हम देखेंगे यूजेस इसके और बेनिफिट, प्राइस, साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका यूज़ जो होता है, यूज़ कहाँ पे किया जाता है। फ्रेंड यूज़ इसका होता है एब्डोमिनल पेन एंड पीरियड रिलेटेड पेन में। इसका फ्रेंड जो कि यूज़ किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज़ जो है पेट दर्द और पीरियड रिलेटेड पेन में किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं मेडिसिनल बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड मेफ्टालिस पास टेबलेट 10 इज़ ए कम्बाइन ऑफ टू ड्रग, नेमली डाइसाइक्लोमीन एंड मेफेनिक एसिड। कहने मतलब कि फ्रेंड जो मेफ्टालिस पास होता है, ये 10 टेबलेट स्ट्रिप होता है और ये दो कंबाइन मेडिसिन से बना हुआ है, दो वो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे पहले है डाइसाइक्लोमीन, जो कि एंटी स्पास्मोडिक है, और दूसरा जो है मेफेनिक एसिड, जो NSAID कैटेगरी की मेडिसिन है। कहने का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। वहीं एंटी स्पास्मोडिक का जो कि पेन स्टमक पेन से रिलेशन रखता है। मेफ्टालिस पास टेबलेट इज यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल पेन डिसमोरिया पीरियड, जिसे हम पीरियड पेन एंड कोलिकी पेन डाइसाइक्लोमीन वर्क इज अ रिलीफ कंट्रक्शन एसोसिएट विथ स्मूथ मसल्स ऑन द एब्डोमेन। कहने का मतलब कि फ्रेंड जो डाइसाइक्लोमीन होता है फ्रेंड, ये हमारे स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है और पेट के दर्द को ठीक करता है, और जो हमारी मेडिसिन है डाइसाइक्लोमीन मेफ्टालिस पास का यूज़ जो होता है एब्डोमिनल पेन और पीरियड रिलेटेड पेन में किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर भी देख लिया है फ्रेंड। तो मेफेनिक एसिड का वर्क जो होता है, जैसे कि डाइसाइक्लोमीन का वर्क हमने देखा कि स्मूथ मसल्स पे एब्डोमिनल जो पेन होता है उसको रिलीफ पहुंचाता है, और मेफेनिक एसिड वर्क इज़ द ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंड। कहने का मतलब जो मेफेनिक एसिड होता है, ये ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ केमिकल मैसेज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंड। This help reduce mild to moderate pain and inflammation at the injurious or damaged site। कहने मतलब इसका जो वर्क होता है मेफ्टालिस पास का फ्रेंड, उसको मॉडरेट पेन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, और डैमेज पार्ट को अगर कहीं इंजीरियस वगैरह लगा, चोट वगैरह, घाव हो, तो उसको भी डैमेज को और ठीक करता है। टूगेदर मेफ्टालिस पास टेबलेट 10 हेल्प टू रिलीफ पेन, ये पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, रिलीफ करता है फ्रेंड। वही डायरेक्शन फॉर यूज़, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। टेक मेफ्टालिस पास टेबलेट विथ फूड टू प्रिवेंट स्टमक अपसेट। इसका जो टेकिंग किया जाता है फूड टू प्रिवेंट स्टमक अपसेट, और स्लो मेफ्टालिस पास टेबलेट एज होल ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट च्यूब और ब्रेक। कहने का मतलब जो मेफ्टालिस पास को लिया जाता है फ्रेंड, इसको आप एक ग्लास पानी के साथ ओरली थ्रू ले सकते हैं, ना कि इसको चुभलाएं, और साथ ही साथ उसको ना ही ब्रेक करें, उसको
वैसे ही निकल जाएँ। तो इसका वर्क इसी प्रकार से होता है। स्टोरेज की बात कर लीजिए फ्रेंड, स्टोरेज इज अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। कहने का मतलब इसको कूल एंड ड्राई पैलेस पे रखना चाहिए फ्रेंड मेफ्टालिस पास को। इसकी एमआरपी की बात कर लिया जाए तो फ्रेंड मार्केट में इसकी एमआरपी लगभग 50 रुपये है। एक स्ट्रिप की दाम जो है लगभग 50 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा फ्रेंड। और साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेफ्टालिस पास टेबलेट की बात कर लिया जाए तो इसकी जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट, डाइजनेस, ड्रोजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लोरेड, विजन वीकनेस। कहने मतलब इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट कॉमनली हैं जैसे मतली आना, उल्टी आना, पेट में दिक्कत बने रहना और माउथ सूखा रहना और कमजोरीपन दिखाई देना। फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है फ्रेंड। आप लोगों के सहयोग से ही हम फार्मापस चैनल पे एक नई नई टॉपिक्स लाते रहते हैं फ्रेंड, जिसे लाइक मिलता है उससे हमारे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड।